Hi guys, welcome or welcome back to my channel and welcome back to another Meesho haul. आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडर 250 मीशो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी सेट, जिसमें बहुत सारे अफगानी ज्वेलरीज हैं और कुछ कुछ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज हैं। पिछले वाले मीशो हॉल में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाला भी मीशो हॉल अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी ही आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। बट वीडियो में जाने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगेगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और अगर मैं अच्छी लगी देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसके बगल में एक छोटा सा बेल बटन होगा, आप उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन जब भी आएगी न्यू वीडियो की, तो वो सबसे पहले आपके पास जाइए कि मैंने वीडियो डाल दिया और फिर आप देख सकोगे। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि पिछले वाले मेरे मीशो हॉल में बहुत सारे ने कहा था कि जो आपने कोड दिया है वो गलत है, जो ऑर्डर कोड हम डाल रहे हैं वो आ नहीं रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो सेलर्स होंगे वो अपने ऑर्डर कोड को चेंज करते रहते होंगे, या तो फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता होगा इसलिए आप लोगों को वो शो नहीं करता होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, मैं जब भी मैं ज्वेलरीज आपको सेट दिखाऊंगी तो बगल में तो मैं डाल दूंगी ना स्क्रीन पे, तो आप क्या करना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्रॉप करके जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आप वहाँ पे इमेज में डाल देना, क्योंकि अब मीशो में अवेलेबल है, आप इमेज से भी ढूंढ सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को, तो आप इमेज में डाल दीजिएगा। और इमेज में डालने के बाद जो उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स है वो लाइन से सब आ जाएंगे, तब भी आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर कोड डालने में दिक्कत हो रही है या तो फिर वो शो नहीं कर रहा है सिमिलर प्रोडक्ट्स को, तो ओके। सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है ये ब्लू कलर की ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। और अगर आप लोगों ने मेरी स्टाइल विथ मी सीरीज नहीं देखी तो आप बिल्कुल देख सकते हो, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने यहाँ पे 50% जो ज्वेलरीज है मैंने वहाँ पे पहना है और स्टाइल भी किया है, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। मैंने डे 1 से लेकर डे 10 तक उस सीरीज को मैंने बनाया है, तो अगर आप चाहते हो कि ये और भी ज़्यादा अच्छे से कैसे दिख रहा होगा तो फिर आप वो देख सकते हो। स्टाइल विथ मी सीरीज वो शॉर्ट्स में होंगे, लॉन्ग वीडियोज नहीं है, वो शॉर्ट्स में है। हमारा फर्स्ट पीस है दैट इज दिस। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत ही प्यारी क्वालिटी की है ये, और इट्स मीनाकारी, आई थिंक मे बी मीनाकारी होगा क्योंकि इसका डिज़ाइन बिल्कुल मीनाकारी से मैचिंग करता है, तो मे बी हो सकता है कि ये मीनाकारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो। और इसका जो प्राइस है दैट इज़ जस्ट 189 रुपीज़, आर टोटली वर्थ, मतलब इतने सस्ते में इतनी अच्छी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और इसके साथ इयररिंग्स भी है, और इट्स सो क्लासी, मतलब 189 रुपीज़ में आपको और क्या चाहिए। और इसके और इसका कलर भी बिल्कुल भी डिसकलर नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है ये मेरे पास, 1 मंथ से ज़्यादा है मेरे पास, बट मैं चीज़ों को अच्छे से रखती हूँ इसीलिए ये है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं रखोगे तो मे बी ख़राब भी हो सकती है ये चीज़। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी जब मैंने पहना था, इट्स वेरी गुड। और इसमें कलर्स भी है, मतलब ये जो छोटे छोटे बीड्स है ना, इसमें ब्लू कलर का मैंने लिया है, वहाँ पर आपको ग्रीन कलर और ब्लैक कलर का भी मिल जाएगा। आई थिंक सो सिर्फ 3 ही कलर था वहाँ पे, ग्रीन था, ब्लू था, ब्लैक था, मैंने ब्लू लिया, मुझे ब्लू अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ब्लू लिया। नेक्स्ट जो मेरे पास ज्वेलरी है वो इस तरीके से प्लास्टिक में आई, मतलब क्यों प्लास्टिक में क्यों देते हो यार आप लोग। इसका जो प्राइस है जस्ट 220 रुपीज़ है। सो दिस इज़ द पीस, और ये एक लॉन्ग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। आप इसे अगर आपके पास कोई ऐसा ड्रेस है जो बोट नेक है, इट मीन्स आपका नेक यहाँ तक आ रहा है, या तो फिर आपके पास कोई ऐसा ड्रेस है, तो उसमें आप इस टाइप के ज्वेलरीज को, ऐसे लॉन्ग ज्वेलरीज को स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके साथ जो इयररिंग्स मुझे मिली है वो शायद कहीं खो गई, मुझे मिल नहीं रही है, बट ये वाला जो इसका ये ट्राइंगल है ना, बस ये वाला ही वो लोग इयररिंग्स में है, और उसमें बस हुक है, आप हुक से लगा सकते हो इयररिंग्स को। मुझे स्पेशली जो इसका प्राइस था वो मुझे इस प्राइस रेंज में आपको इस टाइप के ज्वेलरीज नहीं मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के हैं, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इनका कलर चला जाएगा। 1 मंथ मुझे नहीं हुआ है बट 25 to 20 days हो गए हैं इसे लिए हुए, और मैं इसी प्लास्टिक में ही रख रही हूँ जिस प्लास्टिक में उन्होंने मुझे दिया। आप चाहो तो बॉक्स में भी रख सकते हो, बॉक्स में ये ज़्यादा दिन तक रहेंगे इनके कलर्स, बट अगर आप इस तरीके ऐसे ही छोड़ दोगे तो कलर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जंग ज्वेलरीज होते हैं इसलिए इनका कलर बहुत ही जल्दी चला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो पीस है दैट इज़ दिस। ये एक बहुत ही ज़्यादा लंबा, मतलब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बहुत ही लंबा और बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। सो दिस इज़ द पीस एंड लुक हाउ प्रिटी इट इज़, मतलब
वर्क तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और मुझे कहीं कहीं पे लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े प्लेसेस में डिसकलर हो गया है ये मे बी. और इसे मैंने अभी रिसीव किया है 4 to 5 days में ही मैंने रिसीव किया, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है टाइम, बट स्टिल इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अलग थोड़ा डिफरेंट सा हो गया. आई डोंट नो व्हाई, मे बी पॉलिशिंग अच्छी सी नहीं थी, नहीं की होगी उन्होंने. 220 rupees इसका प्राइस है. और इसके साथ जो ईयर रिंग्स है वो है ये, मैं सबसे निकाल बिना निकाले आपको दिखा रही हूँ, ये वाले इसके ईयर रिंग्स हैं. बहुत ही सिमिलर है इसके नेकपीस से, ऑब्वियसली जितने भी नेक पीसेज होते हैं ईयर रिंग्स भी सिमिलर ही होते हैं उनके. सो दिस इज़ द पीस, दिस इज़ हैवी एक्चुअली, मतलब आप जब इसे पहनोगे तो आप ऐसा नेक का ड्रेस मत पहन लीजिएगा जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा वर्क किया हो, वरना ये फिर और भी ज़्यादा हैवी लगने लगेगा उसमें जिस तरीके का ये ज्वेलरी है. और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि इन्होंने जिस तरीके से इसे बनाया है ना, मतलब पीछे में अगर मैं दिखाऊँ, पीछे में इस तरीके का इन्होंने कुछ रबड़ सा दिया हुआ है. अगर मैं उसे मैं टच कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई रबड़ है, और रबड़ से उन्होंने ज्वाइन किया इन सभी को, और थोड़े थोड़े देर में ये इस तरीके से अलग हो जा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. नेक्स्ट मेरे पास है अब अफगानी ज्वेलरी, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है. हर जगह आप कहीं पे भी जाकर देखोगे अफगानी ज्वेलरी, रिंग से लेकर ईयर रिंग से लेकर नेक पीस तक सब कुछ ही ट्रेंड में चल रहा है अफगानी का. ये है हमारा अफगानी ज्वेलरी, इसे भी मैंने पहनकर ऑलरेडी स्टाइल विद मी सीरीज किया है. सो सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, एंड मतलब इसका क्वालिटी से लेकर हर एक चीज़ अच्छा है. इसमें जो मिरर लगा हुआ है ना, ये कलरफुल मिरर्स, दे आर सो गुड. मतलब आपके आप जब इसे पहनोगे ना, आप तभी समझ पाओगे कि कितना ज़्यादा प्रिटी है. ऑब्वियसली इट्स अ ड्यूप, ओरिजिनल अफगानी तो नहीं है, बट जो ओरिजिनल अफगानी होते हैं उनके भी शाइन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. अब बैक में ये कुछ इस तरीके की है, और ये मुझे एक चीज़ इसकी अच्छी नहीं लगी, वो है ये ऊपर वाला. एक्चुअली में जब आप इसे गले में पहनोगे ना, तो ये वाला जो चीज़ है आपको यहाँ पे लगेगा. जब मैं परचेज़ करी थी तो मुझे नहीं पता था कि ये सच में लगने वाला है. जब मैंने पहना, मुझे लग रहा था वो सच में. तो अगर आप ये डिज़ाइन लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बट क्या है कि सिर्फ इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये है त्रिशूल सा शेप में, तो आप जब भी इसे पहनोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको लगे. और इसकी जो ये वाली जो घुंघरू है बहुत ही प्यारी है. और आपको इन सभी ज्वेलरीज़ को बहुत ही अच्छे से रखना पड़ेगा, वरना इनका कलर भी डिसकलर हो जाएगा. और क्योंकि ये मैट पॉलिश के होते हैं तो मैट पॉलिश को हटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसका कलर बहुत जल्दी चल जाएगा, फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा. इसके जो ईयरिंग्स है वो है ये, बिल्कुल पिकॉक के टाइप दिखते हैं. डिज़ाइन इनका बहुत ही प्यारा है, और आप अगर इसे नहीं भी चाहो तो सिर्फ ईयरिंग्स भी पहन सकते हो, इतने प्रिटी हैं. आप किसी भी टाइप के इंडो वेस्टर्न या तो फिर इंडियन में पहन सकते हो. आजकल तो वेस्टर्न में भी सब स्टाइल करते हैं, बट इंडो वेस्टर्न में और इंडियन में इन टाइप की ज्वेलरी ज़्यादा प्रिटी लगेंगे इसलिए. और इसका जो इस वाले पीस का जो प्राइस था वो 240 rupees है. मैंने जब लिया था तब सेल चल रही थी, तो मुझे 240 में मिल गया. मे भी हो सकता है सेल अभी तो नहीं चल रही है, ख़त्म हो गई है सेल, तो हो सकता है कि आपको 50 rupees ज़्यादा पे करना पड़ जाए, या तो 10 rupees. नेक्स्ट जो हमारा पीस है वो भी एक अफगानी ही ज्वेलरी है, क्योंकि मैं न्यू चीज़ें ट्राई करते रहती हूँ हमेशा, और अफगानी ज्वेलरी तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसीलिए अफगानी ज्वेलरी को मुझे ट्राई करना था, बट रीजनेबल प्राइस में. मतलब मैं उतना ज़्यादा पे नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने मीशो को चुना, क्योंकि मीशो में आपको हमेशा रीजनेबल प्राइसेस में ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और मीशो में हमेशा ना आपको कोई ना कोई डिस्काउंट मिल जाता है, या तो फिर आपको फ्री डिलीवरी मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है मीशो से परचेज करना. सो दिस इज़ द नेक्स्ट पीस, और इसमें भी कलरफुल मिरर है, और इसमें ये वाला जो इसके नीचे जो ये घुंघरू है ये भी बहुत ही प्यारा है. और मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो कि जब उन्होंने मुझे भेजा तो वो इस साइड से, मतलब ये वाला जो लाइन है ना, इस साइड से बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इसे ठीक करने में. मतलब ये बिल्कुल ही डैमेज था, बट स्टिल मैंने इसे ठीक किया, क्योंकि इतनी प्यारी पीस को मैं रिटर्न नहीं करना चाहती थी और पहनना भी चाहती थी इसलिए, तो इसलिए मैंने फिर इसे ठीक किया, और काफ़ी हद तक ठीक है. अगर अभी भी आप देखोगे ना तो थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा है, बट स्टिल मैंने इसे ठीक किया है. और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, इन ये जो घुंघरू इसके नीचे में लगे हुए हैं, इनका कलर थोड़ा थोड़ा डिसकलर होता जा रहा है, क्योंकि जब भी मैं इसे छूती हूँ ना, मेरे हाथ में शायद वो कलर आ जाता है. मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मैं जब भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को अपने पहनती हूँ, या तो फिर उसे
टच करती हूँ तो फिर उनका जो कलर है वो आता ही है, या तो फिर मेरे नेक पे आ जाता है या तो फिर मेरे हाथ पे आ जाता है। सो और इसका भी प्राइस 240 rupees ही है। जस्ट इससे पहले जो मैंने अफगानी ज्वेलरी आपको दिखाया उसी के ही प्राइस का ये भी है। आप इस वाले ज्वेलरी को अगर इस तरीके से पहनेंगे तो बिल्कुल वो अफगान ज्वेलरी अफगान जलेबी वाली फीलिंग आएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही तरीके से आप इसे वेयर कर सकते हो स्टाइल करके। वैसे तो ये नेक पीस ही है बट आप जिस तरीके से स्टाइल करोगे उस तरीके से ये स्टाइल हो जाएगी। इसके साथ जो इयररिंग्स है वो बहुत ही छोटी है, मतलब इससे पहले वाले अगर अफगानी ज्वेलरी को आप देखोगे उसकी ज्वेलरी के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़े इयररिंग्स और बहुत ही अच्छे इयररिंग्स है, बट इसके इयररिंग्स बहुत ही छोटे हैं। इट्स एक्चुअली वेरी क्यूट। अगर बहुत ज़्यादा ज्वेलरी आपको पहनना पसंद नहीं है तो इस टाइप के छोटे छोटे स्टड्स आप पहन लो और आप पहन कर कहीं पे भी जा सकते हो। बहुत ही प्यारे हैं, बल्कि भी नहीं लगते बिल्कुल भी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये भी मीशो हॉल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस दी बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।